सो so, एक एरा डिस्कशन हो गई जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी दे वर इंटेंडेड टू यूज़ इंपोर्ट सब्सिटन पॉलिसीज फिर एक पीरियड आता है नाइनटीन uh, का जब एक वेव आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड लिबलाइजेशन की तो इस मेड्यूल के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड uh, लिबलाइजेशन हुई एंड देन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पे ग्रोथ के क्या ट्रेंड रहे बेसिकली नाइनटीन एटीज के अंदर इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक मैं आपको जो थोड़ा सा हट के है यहाँ से कंटेंट से लेकिन बड़ा लिंक करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो ये है डब्ल्यू की फॉर्मेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बनता है एंड देन जिसके अंदर तीसरा अदारा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बाद जो वर्ल्ड वार टू के बाद बना और ये बेसिकली गैट जो था वो ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स को वर्ल्ड लेवल पे देखने के लिए था फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया और एक बड़ा सेक्शन uh, जो है वो कंट्रीज़ का ये नाइनटीन के अंदर ही आया और वहाँ पे जो उस इदारे का काम था डब्ल्यू का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसका काम था ट्रेड को प्रमोट करना और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया तो इस केस के अंदर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो नाइनटीन के अंदर जो डिक्रीज़ किए टेरिफ रेट जो टैरिफ रेट इतने ज़्यादा थे वो कुछ कंट्रीज़ के अंदर उसको सिंगल डिजिट और डबल डिजिट तक लाया गया पोज तो उसके अंदर जो ना सिर्फ टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया गया बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स की रिडक्शन की भी बात हुई और जो आइडिया था वो फ्री ट्रेड का रहा 1980s एंड ऑनवर्ड। और वंस uh, अगेन uh, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस ये वो पीरियड था 1980s एंड टिल 1994 एंड देन 2005 तक कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ़ द डेवलपिंग कंट्रीज बिकेम द पार्ट ऑफ डब्ल्यू जैसे आ, इंडिया की एग्ज़ाम्पल दें 1994 चाइना ऑलमोस्ट 1991 और बहुत सी ये मैं दो बेसिक बेसिकली एशियन जाइंट हैं तो मैं इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ और पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल दें तो उसने भी Uh, मतलब जो है वो 1995 एंड देन फिर 2005 के अंदर ऑपरेशनलाइजेशन हो गई इसकी ज्वाइन मोस्टली अगर आप श्रीलंका को देख लें तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट नाइनटीन uh, के अंदर और उन्होंने ज्वाइन किया और मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो इस पीरियड में ज्वाइन किया उन्होंने और आइडिया यही था कि आप जो है वो टैरिफ uh, को रिड्यूस करें और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी रिड्यूस करें ताकि आपके पास ट्रेड प्रमोट हो सके अमंग कंट्रीज और यहाँ पे Uh, कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं लाइक अर्जेंटीना की एग्जाम्पल दी गई है जिसने 18 परसेंट से 11 परसेंट पे एवरेज टैरिफ रेट को वो ले कर आया ब्राज़ील की अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो वहाँ पे भी 37 परसेंट से ऑलमोस्ट 33 परसेंट का रिडक्शन अगर आप देखें तो ये 25 परसेंट पे आ गया यानी कि ट्वेल्व परसेंटेज पॉइंट जो है वो रिडक्शन हुई टैरिफ रेट्स के अंदर देन फिलिपाइंस के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ट्वेंटी एट परसेंट से कम हो के ये ट्वेंटी परसेंट पर आया कि एट परसेंटेज पॉइंट जो है वो डिक्रीज आया अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट अगर आप देखा जाए तो ये देखा गया एक कंसेंसस बिल्ड हुआ कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉमोडिटीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं आल दो हम लोग जो नाइनटीन की बात कर रहे थे एंड ट्राई टू दैट वहाँ पे इम्पोर्ट सब्सिडीशन होती है और वहाँ पे जो इंडस्ट्राइजेशन है दैट इज़ अप्लाइड बाय यूजिंग इंपोर्ट सब्सड्रेशन पॉलिसीज़ लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आउटवर्ड uh, जाते हैं पूरी दुनिया की तरफ ट्रेड ओपन होती है तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपके पास जो इंक्रीज आता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स uh, का टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर वो बढ़ जाता है इसकी एग्जाम्पल के लिए ये एक टेबल दिया गया है जिसको टेबल एलेवन हम कह रहे हैं यहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उसको अगर देखा जाए तो शेयर बड़ा है सपोज कुछ कंट्रीज अफ्रीका की ली गई हैं कुछ एशियन कंट्रीज ली गई हैं एंड देन लेटिन अमेरिकन कंट्रीज ली गई हैं तो इजिप्ट की अगर बात करें तो ये शेयर जो जस्ट ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व था वो इंक्रीज हो के फोर्टी थ्री परसेंट हुआ इन टू थाउजेंड टेन इन द वेक ऑफ ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन ईयर्स ड्यूरेशन के अंदर ये आलमोस्ट थ्री टाइम्स से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा या उससे भी ज़्यादा बढ़ा कीनिया की अगर आप एग्जांपल लें तो ये 15 से आलमोस्ट 35 फाइव परसेंट पे इसका शेयर चला गया साउथ अफ्रीका के अंदर भी यही केस आपको नजर आएगा एंड देन इंसानिया के अंदर भी यही केस आएगा एशिया के अंदर जो uh, इंडिया एक एग्जांपल है मलेशिया है एंड देन uh, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया इस केस के अंदर लेकिन अगर आप मलेशिया को खास तौर पर देखें इस पीरियड के अंदर तो आलमोस्ट थ्री फोल्ड इसने ग्रो किया और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी यही केस है आपके पास अर्जेंटीना से परसेंट से इसका शेयर इंक्रीज होके 33 परसेंट हुआ चिली का ऑलमोस्ट डबल हुआ सिर्फ ब्राज़ील जो था उसका शेयर थोड़ा सा कम हुआ और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो सिक्सटीज के अंदर अगर खास तौर पर बात करें तो ये ब्राज़ील वॉज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने इम्पोर्ट सब्सिड्यूशन पॉलिसी रखी और इंडस्ट्राइजेशन की तरफ़ गया और वहाँ पर इंट्रस्टिंगली जो प्राइमरी गुड्स थी उनके अंदर वो एक्सपर्ट थे लेकिन इतनी बुरे तरीके से हिट हुए ये ब्राज़ील कि उसको प्राइमरी गुड्स भी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इम्पोर्ट करनी पड़ी तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैक्सिको को भी इनफैक्ट uh, उनका जो शेयर है मैनुफेक्चरिंग गुड्स का वो इनक्रीज किया तो ओवरऑल अगर आप इसको देखा जाए तो डिफरेंट केसेस आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड लेबलाइजेशन आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ क्योंकि 1983 और इससे पहले जो कंट्रीज थीं ये क्लोज एक्सपोर्ट इकॉनमी थी ट्रेड की तरफ ऐस नहीं आती थी तो ये जैसे ही ओपन हुई इकॉनमीज ट्रेड लेबलाइजेशन के कुछ टेरफ प्रोडक्शन हुई तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया एक चीज़ के ऊपर इंटरेस्टिंगली रिसर्चर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी है लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करता है कि जो कंट्रीज़ सपोज रैपिडली जिन्होंने लिब्रलाइज़ किया है ख़ास तौर पर अगर आप बात करें कोरिया की ताइवान की तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ के रिजल्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं या आप जैसे कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है लेकिन कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे uh, इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग जो ट्रेड लिब्राइजेशन स्लोली हुई है ये कम कम लेवल पे उन्होंने जो है वो ट्रेड ओपन की है उस तेजी से नहीं की तो वहाँ पे आपके पास ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं नजर आ रहे और इस सारी चीज को जो फंड किया इंटरेस्टिंगली वो वर्ल्ड बैंक ने भी इसको सपोर्ट किया इस फिना के अंदर और यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स जो हैं वो सिक्सटी कंट्रीज को जो है वो दिए गए इन द फॉर्म ऑफ सैप या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ये पाकिस्तान में भी आए थे एटीज़ नाइन्टीज़ के पीरियड के अंदर वर्ल्ड बैंक फाइनेंस जो ये प्रोग्राम था इसके अंदर जो बेसिक आइडिया ये था कि आप अपने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करें और इंडस्ट्राइजेशन की बात हुई वहाँ पे एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात हुई तो ये स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट एज। प्रोग्राम के थ्रू खास तौर पे अफ्रीकन रीजन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंडिंग ली इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर तो यहाँ पे इस स्लाइड के बाद थोड़ी सी एक मतलब आइडिया डेवलप होता है या आपके पास सपोज़ जो ट्रेड या ओपननेस जो है या लेबलाइजेसन जो है उनका एक्सपीरियंस डेवलपिंग कंट्रीज़ का ट्रेड लिबलाइजेशन के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लेकिन डिसग्रीमेंट डिस देयर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास जो ट्रेड लेबलाइजेशन ओपन एट वंस नहीं होनी चाहिए थी जैसे वो चाइना की एग्जाम्पल देते हैं वो पहले हाई इम्पोर्ट टेरिफ रखते थे लेकिन जैसे ही वो कंपेटिटिव होते हैं वर्ल्ड के अंदर तो वो टैरिफ रिड्यूस करते हैं और डोमिनेट कर जाते हैं पूरे वर्ल्ड को तो ये तो एक आइडियल केस है कि जब आपके पास जो कंपेटिटिवनेस आपकी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप पूरी दुनिया पे या इवन जो उस कमोडिटी की मार्केट है एटलीस्ट कुछ चीज़ों के अंदर आप अपने आप को एक्सेल करवा सकें